Dear students, I'm Pradeep. Welcome you all in this learning session from Sun Valley School. In today's session, we are going to read, not only the read, we are going to continue the same story what we have started in our last session. The name of the story is The Boy, The Dog and The Spaceship. आज के session में हम जो पिछले session में हम लोगों ने story शुरू किया था उसी को continue करेंगे. Till now, what we have learned, what we have read, there was a boy and a dog. They were very good friends with each other. They were playing, they were running, they were rolling with each other. I mean, कहने के वो खेल रहे थे एक तरीके से. And meanwhile, एक spaceship जो कि space से बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आता है और वो अर्थ पे गिर जाता है. और उसमें जो जितने भी members थे, crew members थे, यानी जितने भी passengers थे उस spaceship में, लगभग सभी लोग खत्म हो गए थे, except one alien. That was the captain of that spaceship. तो ऐसे में क्या होता है? Already we have read in our last session. In our last session we read that की जो captain का helmet होता है वो indicate करता है captain को कि इस atmosphere जब पृथ्वी पे जाकर के उसका spaceship गिर जाता है और वो बाहर निकलना चाहता है तो जो कैप्टन है वो एक हेलमेट पहने रहता है जो कि उसको इंडिकेशंस देता है वहां की सराउंडिंग के बारे में. और इंडिकेशन क्या दिया कि मिलता है उसको इंडिकेट क्या किया जाता है कि जो वहां का एयर है दैट इज ब्रीथेबल, वो सांस लेने योग्य है. और इसी को लेकर के जो कैप्टन है काफी खुश भी रहता है, ही वॉज वेरी ग्लैड. और इतना ज्यादा खुश था कि उसके पास एक ऐसा स्पेशल हेलमेट है कि वो जो इसकी रक्षा करता है. एंड ऑल्सो द कैप्टन वॉज हैविंग आर्म सूट. ये आर्म सूट कैसा होता है? जब कैप्टन की जो नर्व्स है, जो नसें हैं, मसल्स या मूवमेंट, यानी उसकी जो बॉडी का मूवमेंट है, अगर वो बोले उस पे शूट से कि रन, अगर वो इंडिकेट करे कि रन करने के लिए इंडिकेट करे, तो वो सूट जो है, जो आर्म सूट होता है, वो कैप्टन को हेल्प करता है रन करने में, दौड़ने में. वो भी एंडलेसली, बिना रुके, बिना थके वो दौड़ने लगता है. इफ द कैप्टन्स बॉडी सेड क्लाइम, अगर कैप्टन की बॉडी क्लाइम करने के लिए सोचती है या कहती है या इंडिकेट करती है, तो जो सूट है वो इट विल हेल्प कैप्टन टू कीप क्लाइंबिंग ऑन हिम, कीप क्लाइंबिंग फॉर हिम, वो कैप्टन के लिए क्लाइम कर सकता है. दैट मींस कि इट वाज अ वेरी हेल्पफुल आर्म सूट जो कि उस एलियंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है. उसको एक हेलमेट है जो कि उसको इंडिकेट करता है, आर्म सूट है जो उसकी काफी हेल्प करता है, बिना दौड़े वो उसके लिए दौड़, कैप्टन को लेकर के, मतलब कैप्टन के साथ दौड़ सकता है, वो जंप कर सकता है, मेनी थिंग्स आर देयर. ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, ये भी पैराग्राफ पढ़ लिया था. नाउ वॉज द टाइम द कैप्टन रियलाइज टू क्लाइम. अब ऐसा समय आ गया था कि कैप्टन, जब ये सारी सिचुएशन जो सराउंडिंग है, जब ये हुआ कि ब्रीथेबल है, तो कैप्टन को ये रियलाइज हुआ, यह एहसास हुआ कि वो क्लाइम कर सकता है, और उसने क्लाइम किया. अ वास ग्रीन ट्रंक स्ट्रेंच फ्रॉम द सॉयल वेरी नियर हिम, और अगल बगल में ये वास मतलब बहुत बड़ा, ग्रीन ट्रंक यानी हरा कलर की जो शाखाएं द्वारा कई सारे पेड़ पौधे थे वहां पे, जो कि मिट्टी, मतलब वहां की जो मिट्टी थी उसके नियर में. इट वॉज द राइट साइज एंड शेप इट हैड प्रोजेक्शन. जो ये ग्रीन कलर के जो ट्रंक थे, यानी जो पौधे थे, जो पेड़ थे, इट वॉज द राइट साइज शेप, वो बहुत ही एग्जैक्ट सेम साइज के थे, सेम शेप के थे, और इट हैड द प्रोजेक्शन, और एक तरीके से ऐसा प्रोजेक्टेड थे दैट इज आइडियल फॉर द क्लाइंबिंग, जो कि क्लाइंबिंग यानी कूदने के लिए बहुत ही आइडियल हो ऐसा लग रहा था. ही क्लैप्ड हिज लिम्स राउंड हिज ट्रंक. जो कैप्टन है यानी जो एलियन है, वो क्लैप कर लेते हैं उस लिम्स को, लिम्स यानी जो वो ग्रीन कलर के जो ट्रंक्स होते हैं, उसके जो तने होते हैं, उसके शाखा को क्लैप कर लेता है, यानी घेरे में अपने हाथ में जकड़ लेता है. द सूट टुक ओवर एंड क्लाइम्ड हिम टुवर्ड्स द डार्क ब्लू स्काई. और ऐसे में जो सूट होता है वो टुक ओवर, वो उसकी हेल्प करता है कैप्टन की, टू क्लाइम हिम टुवर्ड्स द डार्क ब्लू स्काई, और वो आसमान की तरफ क्लाइम करने के लिए हेल्प करता है. अवे फ्रॉम द स्पेसशिप विथ इट्स कार्गो ऑफ डेथ. वो उस पेड़ पे, मतलब जो सूट है वो जो कार्गो है, जो यानी जो कार्गो ऑफ डेथ कह सकते हैं, यानी जो जिसमें कई लोग मृत प्राणी, मृत लोग हैं, तो एक तरीके से उसको कार्गो ऑफ डेथ से कंपेयर किया गया है, यानी स्पेसशिप को ही कार्गो ऑफ डेथ बोला जा रहा है. जो स्पेसशिप से उस
कहीं ना कहीं जंप करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए वो क्लाइंब करता है उस स्पेसशिप से दूर, क्लाइंब करता है और आसमान की तरफ। लेकिन होता क्या है, इसी बीच अब दूसरी चीजें मैंने कल ही बताया था कि देर आर टू थिंग्स इज हैपनिंग, देर इज टू एक्टिविटीज इज हैपनिंग, एक तो स्कैम्प्स और बिल्ली के बीच में हो रही है और एक स्पेसशिप में हो रही है, दोनों एक साथ चल रही है और एक एक पैराग्राफ बारी बारी से दोनों की एक्टिविटीज को बताया जा रहा है स्टोरी में। तो यहां तक तो हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, स्कैम्प्स ब्लैक नॉस्ट्रिल्स कुड स्मेल दिस न्यू स्ट्रेंच, ये स्कैम्प्स की जो ब्लैक नॉस्ट्रिल थी यानी नाक थी, कुड स्मेल दिस न्यू स्ट्रेंच, ये स्ट्रेंच मीन्स होता है गंध यानी महक, जो स्कैम्प्स की जो ब्लैक नॉस्ट्रिल थी उसकी जो नाक, जो ब्लैक कलर की जो नाक थी, वो इस गंध को, इस नए गंध को, इस नए महक को स्मेल कर सकती थी, सूंघ सकती थी। देयर ओवर देयर ही गेव अ स्टिफल्ड येल्प ऑफ एक्सटेसी एंड बाउंडेड टुवर्ड्स इट, ऐसे में फिर क्या होता है, ही गेव अ स्टिफल्ड येल्प ऑफ एक्सटेसी, ये येल्प एक तरीके से होता है कि आवाज होती है, दिस इज अ काइंड ऑफ वॉइस, एक्सटेसी मीन्स एक तरीके से मतलब बहुत तेजी से, मतलब बहुत लाउड, तो एक तरीके से बहुत अजीब तरीके से आवाज निकालता है और बहुत तेजी से, एंड बाउंडेड टुवर्ड्स इट, और जो ये महक थी, ये गंध थी, उसकी तरफ से बाउंडेड यानी चलता है, मतलब भागता है। बिली शाउटेड वन लास्ट टाइम बिफोर द हेडेड होम, और ऐसे में जो बिली है वो एक बार फिर से चिल्लाता है, बिली शाउटेड वन लास्ट टाइम, एक बार लास्ट में एक बार और चिल्लाता है, बिफोर द हेडेड होम, घर जाने के पहले एक बार और चिल्लाता है, क्योंकि उसे घर जाना था, क्या चिल्लाता है, स्कैम्प, Scamp did not hear, लेकिन Scamp सुन नहीं सकता था, Scamp नहीं सुन रहा था, only tracking down the smell mattered, जो Scamp के लिए क्या matter करता था, only tracking down, जो वो गंध थी, जो stench थी, सिर्फ उसको track कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था, it was only matter for the Scamp। उसी बीच captain की बारी, अब captain के साथ क्या हो रहा है, जो alien है, the captain could climb no higher। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे बताया जा रहा था, द सूट टुक ओवर द क्लाइंब इवन टुवर्ड्स द डार्क ब्लू स्काई, जो उस क्लाइंब को, उसके लिम्स को, यानी जो ट्रंक है उसको, जो ट्रंक है वो अपने लिम्स से, अपने अंगों से वो जकड़ लेता है और कहीं ना कहीं सूट उसकी हेल्प करता है जंप करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए टुवर्ड्स द ब्लू स्काई, आसमान की तरफ जंप करने के लिए। लेकिन क्या होता है, The captain could climb no higher, लेकिन captain जो है वो climb नहीं कर सकता, बहुत ऊंचा नहीं climb कर सकता, ऐसा क्यों, the green column that supported him was bending, लेकिन जो green column थे that was supported, जो कि वो green शाखा जिसको जो बोला जा रहा था, जो पेड़ था जिसका support उसको मिल रहा था, that was bending, वो मुड़ जा रहा था, that was bending and swaying under his weight, यानी उस weight के, यानी उसके बेट से जब वो जंप ले रहा था तो कहीं ना कहीं बेंड हो जा रहा था, मुड़ जा रहा था, he was in a dense forest of green column, और ऐसे में वो बहुत ही घने, ऐसे उसको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही घने जंगल में आ गया जो कि ग्रीन कॉलम्स के बने हुए हैं, मे बी ये ग्रीन कॉलम शायद गन्ना रहा हो या फिर कोई पौधा रहा हो हमारी पृथ्वी पे, ऑल वेरी मच द सेम एज द वन ही हैड क्लाइंब, ऑल वेरी मच द सेम एज द वन ही हैड क्लाइंब, येट ईच डिफरेंट, और ऐसे में जब भी वो जंप करता था सेम उसी तरीके से वो दूसरे पे पहुंच जाता था, ही एडजस्टेड, ऐसे में वो क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट ऊपर जाकर के जहां तक वो जा सकता था गया, ही एडजस्टेड हिज हेलमेट टू टेक इन एयर फ्रॉम द आउटसाइड, और अपने हेलमेट को एडजस्ट किया टू टेक द एयर फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर की जो हवा है उसको लेने के लिए, द एयर वॉज मोइस्ट परफ्यूम्ड सम स्ट्रीस, जो एयर था, जो बाहर की जो हवा थी, जो एयर थी वो मोइस्ट थी यानी उसमें नमी थी, परफ्यूम यानी उसमें एक तरीके से सुगंध, सुगंधित थी, सम्प्टिस, यहाँ पे सम्प्टिस, सम्प्टिस में कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार थी, बहुत ही बेहतरीन थी, एन अमेजिंग प्लैनेट सो रिच विथ लाइफ, अब यहाँ पे क्या बोलता है कैप्टन, सोचता है एन अमेजिंग प्लैनेट, बहुत ही अच्छा ग्रह है, बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, सो रिच विथ लाइफ, लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही रिच है, एंड ही वॉज टू बी इट्स कॉन्करर, और वह इस प्लेनेट का विजेता बनेगा, द थॉट वॉज स्टनिंग, और ऐसा जो थॉट है ना वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही स्टनिंग था, बहुत ही धमाकेदार था, द कैप्टन ड्रीम्ड ऑफ ग्लोरी, और ऐसे में जो कैप्टन है वो एक तरीके से ड्रीम करता, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी आप कह सकते हैं अच्छे दिन, तो अच्छे दिनों
कि मतलब अच्छे दिनों का सपना देखता है, ड्रीम करता है। तो एक अच्छे दिन अच्छे समय को मतलब एक अच्छे समय का एक सपना देखता है। हेयर स्कैम्प्स नोज वॉज एक्चुअली टचिंग द वंडरफुल सोर्स ऑफ द सुप्रीम स्टेंच। और इसी बीच क्या हो रहा था, जो स्कैम्प्स है उसको ढूंढ लिया था जहां पे वो एयर स्पेस गिरा था, उसका जो नोज है वॉज एक्चुअली टचिंग द वंडरफुल, उसका अभी पहुंच नहीं पाया था, लेकिन जो स्कैम्प्स का जो नोज है वो एक मतलब इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द वंडरफुल सोर्स ऑफ द सुप्रीम स्टेंच। जो ये सुप्रीम स्टेंच थी, यानी जो एक बहुत ही सुप्रीम मतलब बहुत ही बेहतरीन स्टेंच, यानी गंध यानी महक, जो ये बहुत बेहतरीन महक थी, जो इसका सोर्स था, द वंडरफुल सोर्स ऑफ द सुप्रीम स्टेंच, जो ये वंडरफुल सोर्स था, जो इसका इस सोर्स क्या था, वो ऑब्वियसली बात है स्पेसशिप था। वो स्पेसशिप को लगभग ऑलमोस्ट वो टच ही, उसके बिल्कुल करीब ही था, बिल्कुल टच ही करने वाला था, ऐसा लग रहा था। ही लिक्ड द सोर्स ऑफ द स्मेल, और उसने उस सोर्स ऑफ द स्मेल जो था, यानी उस एयर स्पेस को लिक किया, देख लिया, तो उसको लिक किया, यानी उसको लिक करना मतलब आप कह सकते हैं चाटना। तो जो स्कैम्प है वो अपने टंग से उसको लिक करता है। इट वॉज कोल्ड ड्यूवी एंड हार्ड, और जो स्पेसशिप था उसके बारे में बताया गया। इट वॉज कोल्ड, वो ठंडा था, ड्यूवी यानी एक तरीके से ड्यू से उसपे बहुत सारे थे, एंड हार्ड और हार्ड भी था, यानी बहुत ही कठोर भी था, लाइक ए कंटेनर, बिल्कुल कंटेनर की तरह। केयरफुली बहुत ही ध्यानपूर्वक, ही ओपेंड हिज माउथ एंड पिक्ड अप द थिंग इन हिज जॉ, जो स्कैम्प है वो अपना माउथ ओपन करता है, एंड पिक्ड अप द थिंग्स इन हिज जॉ, वो जो थिंग्स थी यानी स्पेसशिप था उसको अपने जबड़े में जॉस में ले लेता है। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं होता। सो ही पुट इट डाउन अगेन, इसीलिए वो इसको दोबारा नीचे रख देता है। होल्डिंग इट बिटवीन हिज फ्रंट पॉज, होल्डिंग इट बिटवीन, अब इसको होल्डिंग इट, इसको ले लेता है कहाँ पे, बिटवीन हिज फ्रंट पॉज, उसके आगे वाले पॉज में, यानी पंजों के बीच में ले लेता है। एंड लुक्ड एट इट विथ हिज हेड ऑन वन साइड, और देखता है, एंड लुक्ड एट इट, इसकी तरफ देखता है, किससे कैसे, विथ हिज हेड ऑन वन साइड, एक तरफ सीधा सर करके, मतलब वो एक तरफ सर करके उसकी उसकी तरफ देखता है, एक साइड में उसकी देखता है। इट सीम हार्मलेस, जो ये स्पेसशिप है वो कैसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हार्मलेस है वो, ऐसा उसको हार्मलेस यानी कोई नुकसानदेह नहीं हो सकता, ये बिना नुकसान करने वाला कोई चीज है, उसको हार्मलेस चीजें लगती है, उसको एक तरीके से टॉय दिखता है। ही लोड हिज हेड, वो अपने सर को झुकाता है, ओपन हिज जॉज, अपने जॉ यानी अपने मुंह को खोलता है, अपने जबड़े को खोलता है, एंड बिट, और बिट बाइट, बिट बिटन, बाइट से बिट बना, यानी पास्ट, एंड बिट यानी उसको काट लेता है। वो ओपन हिज जॉज, उसने अपना मुंह खोला और काट लिया। अब फिर ऐसे में क्या होता है, द कैप्टन सॉ अ मॉन्स्टर, जो कैप्टन जो ऊपर ट्रीज पे जो वो ट्रंक था उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, वो देखता है, द कैप्टन सॉ अ मॉन्स्टर, कैप्टन ने एक मॉन्स्टर को देखा, मॉन्स्टर यानी राक्षस। अब राक्षस किसको बोल रहा है, जो कैप्टन है एलियन है, वो इस जो डॉग है इसको मॉन्स्टर बोल रहा है, स्कैम को मॉन्स्टर बोल रहा है, क्योंकि एलियन जो है स्कैम को मॉन्स्टर यानी एक राक्षस यानी नुकसान करने वाला आदमी समझ रहा है। इट वॉज अ लिविंग थिंग नॉट अ मशीन, उसको यह भी पता है कि इट वॉज अ लिविंग थिंग, वो एक लिविंग थिंग है, एक सजीव प्राणी है जिसके अंदर जान है, इट इज नॉट अ मशीन। ये कैप्टन समझ रहा है कि जो ये स्कैम्प है, जो ये मॉन्स्टर है, ये मशीन नहीं है, ये लिविंग थिंग है। एंड इट ट्रेवल एट इनक्रेडिबल स्पीड, ट्रैम्पलिंग द ग्रीन कॉलम्स एंड स्पायर्स फ्लैट इन इट्स हेस्ट, और जो कि बहुत इनक्रेडिबल स्पीड में ट्रेवल करता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। ट्रैम्पलिंग द ग्रीन कॉलम्स, जो ग्रीन कॉलम्स हैं यानी जो पेड़ पौधे, उसको कुचलते हुए दौड़ता है। स्पायर्स फ्लैट इन इट्स हेस्ट, द मॉन्स्टर वॉज व्हाइट ब्राउन एंड ब्लैक एंड रैन ऑन फोर लेग्स, जो मॉन्स्टर था यानी जो राक्षस था यानी स्कैम को मॉन्स्टर बोला जा रहा है, ये कैसा था, इट वॉज व्हाइट ब्राउन एंड ब्लैक, ये व्हाइट भी था, ब्राउन भी था, ब्लैक भी था, जैसे कुत्ते होते हैं हम आप देखते हैं। एंड रैन ऑन फोर लेग्स, और चार पैरों पे दौड़ता है। इट हैड मेड स्ट्रेट फॉर द क्रैश्ड शिप, इट हैड मेड स्ट्रेट फॉर द क्रैश्ड शिप, और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल जो क्रैश्ड शिप था उसके बिल्कुल उसको पूरी तरीके से स्ट्रेट बना लेता है, सीधा कर देता है। When the monster's face opened, और जैसे ही मॉन्स्टर का यानी उस कुत्ते का फेस ओपन होता है, इट वॉज पिंक, जब मुंह खोलता है तो क्या अंदर देखता है, ये भी कैप्टन ये सारी बातें बता रहा है, क्या बताता है, जब मॉन्स्टर का फेस ओपन होता है, जब उसका मुंह खोलता है, इट वॉज पिंक इनसाइड, उसके अंदर का जो मुंह खोलते हैं जो जबड़ा है वो पिंक कलर का है,
एंड हैड पॉइंटेड शार्प व्हाइट माउंटेन्स, और अंदर जो पॉइंटेड शार्प यानी बहुत नुकीले, पॉइंटेड यानी नुकीले, शार्प यानी तीखा, मतलब बहुत ही तीखा, मतलब बहुत ही शार्प यानी बहुत ही तेज, एंड व्हाइट माउंटेन्स अबव एंड बिलो यानी ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो व्हाइट एंड शार्प माउंटेन्स है, माउंटेन्स इसको बोला जा रहा है, उसके दांतों को माउंटेन बोल रहा है ये जो कैप्टन है। द मॉन्स्टर हैड डन वेरियस थिंग टू द शिप, और जो ये मॉन्स्टर है यानी जो ये डॉग है वो उस शिप के साथ बहुत सारी चीजें कर चुका होता है, वेरियस थिंग्स कर चुका होता है, बहुत सारी चीजें कर चुका होता है। फाइनली अंततः इट हैड पिक्ड अप एंड शिप, इट हैड पिक्ड अप द शिप, फाइनली वो क्या करता है उस शिप को उठा लेता है, एंड होल्डिंग इट बिटवीन द, और उसको होल्ड करता है बिटवीन, किसके बिटवीन में, बिटवीन द व्हाइट माउंटेन एंड क्रस्ट इट, और ये व्हाइट माउंटेन्स के बीच में वो रखता है और उसको क्रश कर देता है, दबा देता है यानी तोड़ देता है। द कैप्टन हैड हर्ड द मेटल स्क्रीच, और कैप्टन जो है यानी जो एलियन है वो उस मेटल है उसको टूटने की आवाज सुनता है। ऑल राइट, दिस वॉज वॉट द कैप्टन हैड टू डू, यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल राइट, ठीक है, दैट वॉज द कैप्टन, दिस वॉज वॉट द कैप्टन हैड टू डू वन स्टेप एट ए टाइम। अब ये बताता कि अब कैप्टन को करना क्या चाहिए, ये समय इसको समझ में आ जाता है वहां पे वेर आई वर, सो व्हाट, लेट मी, यस, द कैप्टन मस्ट एंटर द बॉडी ऑफ द मॉन्स्टर सो दैट ही कुड टेक इट ओवर इन हिज इन द यूजुअल वे। द कैप्टन मस्ट एंटर द बॉडी ऑफ द मॉन्स्टर, कैप्टन कहता है जो वो वेलियन रहता है वो कहता है कि I should must enter the body of the monster. इस monster के body में मुझे बिल्कुल enter कर जाना चाहिए, so that he could take it over in the usual way, जिससे वो इसके ऊपर control कर सके, इस monster के ऊपर। Then he had to invade the monster's brain, और ऐसे में जो monster का brain है उसको कहने के control कर लेगा, and gain control of its body and its action, और जिससे उसके body पे नहीं इसके action पे भी control कर सकेगा। After that All species, high or low, इसके बाद क्या होगा? All species, यानी सभी तरह की प्रजातियां जो यहाँ पे इस planet पे हैं, high or low, बड़े या छोटे, would eventually obey the captain, वो हर कोई eventually obey ही करेंगे captain का, मेरा obey करेंगे, because जो हम कहीं ना कहीं control कर लेंगे। By then, लेकिन उसी समय, the captain would have contacted his home planet, उसी समय जो captain है, उस समय, मतलब तुरंत किया नहीं, मतलब ये सोच ही रहा है, मतलब सभी लोग जो भी यहाँ के मॉन्स्टर हैं वो सभी कैप्टन का ओबे करेंगे, यानी यहाँ का ये विजेता बन जाएगा। उस समय द कैप्टन वुड हैव कॉन्टेक्टेड हिज होम प्लैनेट, तब ये अपने प्लैनेट पे जो कैप्टन है अपने होम प्लैनेट के लोगों से कॉन्टेक्ट करेगा। मोर स्पेसशिप्स वुड कम, और ऐसे में और भी कई सारी स्पेसशिप नीचे आ जाएंगी, बियरिंग सेटलर्स यहाँ पे रहने के लिए आ जाएंगे। एट लास्ट द कैप्टन रेस वुड हैव फाउंड, और एट लास्ट ये माना जाएगा कि जो कैप्टन का रेस है, जो कैप्टन की ये यात्रा है, वो क्या फाउंड किया है, अ सेफ फिटिंग रिच एंड परमानेंट होम, और एक परमानेंट और एक फिट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिच, बहुत ही सेफ और बहुत ही सुगंधित, हरियाली से भरा हुआ एक ऐसा परमानेंट होम मिल जाएगा। ही वेंट टुवर्ड्स द मॉन्स्टर, ऐसा ये सोचते हुए कैप्टन के मन में चलता रहता है, और ऐसा सोचते हुए वो मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है। बिली वॉन्टेड टू गो, अब इसी बीच में क्या होता है, बिली भी अभी फिलहाल स्कैम को बुला रहा, अभी घर नहीं पहुंचा हुआ होता है। बिली क्या है, बिली वॉन्टेड टू गो बैक आउट एंड फाइंड स्कैम, बिली जो है ऐसे में वो बाहर जाकर के स्कैम को खोजना चाहता है। बिली वॉन्टेड टू गो बैक आउट एंड फाइंड स्कैम, जो बिली है वो बाहर जाकर के स्कैम को खोजना चाहता है। He was worried now, वह परेशान हो रहा होता है। His mother said, उसकी मम्मा कहती हैं, यानी बिली की मम्मा कहती हैं, finish your homework now that you have had supper. अब उसकी मम्मा कहती हैं, finish your homework. आप तुम अपना homework जल्दी से finish करो. Now you that had supper. अब तुम dinner कर चुके हो. She rushes out of the room. वो उस room को दरवाजे को मैंने room को बंद कर देती हैं. A minute or so later, एक minute या कुछ देर और बाद, he heard the TV. और जो बिली है वो TV की आवाज सुनता है. नाउ फिर क्या बोलता है बिली, सोचता नाउ ठीक है, अब शी वुड नॉट मिस हिम, यानी उसकी जो मम्मी है अब उसको नहीं मिस करेंगे, बिकॉज शी हैज स्टार्टेड टू वॉच द टीवी, ये बिली सोचता है। ही टिप टॉट
he tiptoed to the back door and was soon he tiptoed to the back door and was soon on his way to the big field. वो क्या करता है जो बिल्ली है, वो अपने टिप टोड मतलब अंगूठे के बल बहुत ही धीमे से आवाज, बहुत ही धीमी आवाज में जैसे किसी को पता ना चले, यानी बहुत ही दबे हुए पांव से बैक डोर से बाहर निकल जाता है. एंड सून ऑन हिज वे टू द बिग फील्ड, और वो बड़े फील्ड की तरफ जिधर आपका डॉग उसका गया हो रहता है उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, उस रास्ते की तरफ चला जाता है, हो जाता है. The captain had chosen a green, और उसी बीच क्या होता है जो कैप्टन की बारी है, कैप्टन की एक्टिविटीज आ रही है बताने इस पैराग्राफ में. The captain had chosen a green spire to climb. अब ऐसे में कैप्टन ने उसकी तरफ क्या हम लोग पढ़ रहे थे, जो कैप्टन है वो सोचता है कि इसको इसके ब्रेन में के एंटर इसके ब्रेन के अंदर चले जाए और इसके ऊपर कंट्रोल करें, और वहां पे वो जंप ही लेने वाला था, यानी एक तरीके से जो स्टैम्प है उसकी तरफ आगे बढ़ा था. तो कैसे बढ़ रहा था, द कैप्टन हैड चूजन ए ग्रीन स्पायर, कैप्टन ने एक ग्रीन स्पायर को चूज किया, एक मतलब ग्रीन कलर का जो आपका पेड़ था उसमें चूज किया. एंड टू क्लाइंब अ फ्लैट साइडेड स्पायर, एक ग्रीन स्पायर टू क्लाइंब अ फ्लैट साइडेड स्पायर, तो जो ग्रीन कलर के स्पायर था जो ग्रीन कलर की जगह थी वहां से क्लाइंब करके एक फ्लैट साइडेड स्पायर, एक फ्लैट sided flat sided spire tha that would bend them when he reached the top of it. ek green color ka spire yani tane paudhe pe se climb karta hai aur us flat sided spire pe climb karta hai jisse ki jab wo wahan pahunche, jab monster uske paas mein pahunche to wo wahan tak wo reach ho jaye, wo bend ho jaye. aur when he reached the top of it, jab wo top pe pahunche, jo yani captain jab top pe pahunche to wo aapka jo ped hai jo tana hai wo aapka bend kar jaye, और जब बेंड कर जाएगा तो शायद वो जो मॉन्स्टर है उसके ऊपर पहुंच जाए, ये सोचते हुए. द मॉन्स्टर वाज नॉट मूविंग, जो मॉन्स्टर लेकिन मॉन्स्टर है यानी जो कुत्ता है वो बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा था. इट वाज क्राउच्ड ओवर द रिमेन्स ऑफ द शिप, और वो जो बचा हुआ शिप था उसी के ऊपर बैठ जाता है. क्लाइंब क्लाइंब जस्ट एज ही रीच द राइट प्लेस द कैप्टन मेड अ स्प्लिट, और ऐसे में क्लाइंब क्लाइंब ऐसा लगता है जब वो बैठा हुआ रहता है तब उसके मन में आता है कैप्टन को, क्लाइंब क्लाइंब यानी कूदो कूदो, एक तरीके से अपने स्पेसशिप जो अपना सूट है उसको इशारा करता है. जस्ट एज ही रीच द राइट प्लेस, जैसे वो राइट प्लेस पे पहुंचता है तुरंत ही उसकी जो बॉडी है मसल्स है वो इंस्ट्रक्शन मतलब इंडक्शन, जैसे वो राइट प्लेस पे पहुंचता है एक तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन देता है उसका मसल्स नर्व्स के थ्रू कि क्लाइंब यानी कूदने के लिए उसकी इच्छा होती है. द कैप्टन मेड अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, और तुरंत ही एक दूसरा डिसीजन लेता है कि तुरंत कूदने एंड लिफ्ट इन टू द nothingness, और ऐसे में ही वो ऐसी जगह पे कूदता है जहां पे कुछ भी नहीं है, nothingness यानी कुछ भी नहीं. He stretched his limbs, clutched and held on to the monster, और ऐसे में वो उसके ऊपर ही कूद जाता है. वो he stretched his limbs, जो आपका स्कैम्प है उसके लिम्स के ऊपर स्ट्रेच कर जाता है यानी उसको पकड़ लेता है, clutched and held on the monster, और उसको अच्छे से पकड़ लेता है और उसे को जो मॉन्स्टर है यानी स्कैम्प है उसके ऊपर चढ़ जाता है, और ऐसे में बोलता है विक्ट्री यानी जीत गया. जब उसके ऊपर जब पहुंच गया मॉन्स्टर के ऊपर वो कैप्टन पहुंच गया, उसके लिम्स को पकड़ लिया यानी उसके शरीर पे जब उसके बॉडी पे आ गया तो क्या गया, तो विक्ट्री एक होता है खुशी, खुशी जाहिर करता है कि मैं जीत ही गया मान लो. ग्रिपिंग ऑन क्लस्टर ऑफ व्हाइट और ब्राउन, जो ग्रिपिंग वन क्लस्टर, अभी ग्रिपिंग मतलब होता है पकड़ना, वन क्लस्टर क्लस्टर माने गुच्छा, अब किसी गुच्छे व्हाइट और ब्राउन कलर के गुच्छे को, व्हाइट ब्राउन ब्लैक कलर के जो गुच्छे को पकड़ता है जकड़ता है, ये व्हाइट ब्राउन ब्लैक कलर का गुच्छा है क्या उस मॉन्स्टर यानी उस जो स्कैम्प है उसके बाल हैं जो कि कई सारे हैं तो उसको गुच्छा बोल रहा है, तो यानी उसके बाल को पकड़ते हुए पकड़ करके वो आगे बढ़ता है. द कैप्टन Clambered his way along the monster, जो कैप्टन है वो उसके बाल को पकड़ते हुए जो ग्रीन ब्लैक ब्राउन कलर के हैं उसको पकड़ते हुए आगे बढ़ता है. एंड वो कहीं ना कहीं the captain clambered his way along the monster making for the brain, और कैप्टन जो है एक तरीके से उस मॉन्स्टर के ब्रेन तक पहुंचने के लिए रास्ता बना लेता है उसी तरह. It was above the monster face, it was above the monster face, जो ये ब्रेन था वो कहाँ पे था वो ऑब्जर्व कर लेता है कि वो मॉन्स्टर के फेस के ऊपर था. इट वाज अबव द मॉन्स्टर फेस, ये मॉन्स्टर का जो फेस था इसके ऊपर था उसका ब्रेन, और ब्रेन तक पहुंच करके वो उसको कंट्रोल करना चाह रहा था. ही कुड फील द ब्रेन्स एनर्जी,
जो कैप्टन था वो मॉन्स्टर के ब्रेन की एनर्जी को फील कर सकता था। ही केम टू द एंट्रेंस ऑफ द टनल। अब वो आ चुका था कहां पे, टू द एंट्रेंस ऑफ अ टनल लीडिंग इनटू द मॉन्स्टर हेड एंड स्माइल। अब जो जो कैप्टन था वो जो मॉन्स्टर के एक एंट्रेंस टनल, टनल किसको बोल रहा है, उसके कान को बोल रहा है, कान के अंदर टनल जैसा रास्ता रहता है तो उसी तरह एंट्रेंस ऑफ ए टनल, वो बिल्कुल एंट्रेंस ऑफ द टनल के पास आ चुका था। दैट वाज लीडिंग इनटू द मॉन्स्टर हेड, जो कि मॉन्स्टर के हेड के अंदर जाता था। एंड स्माइल, और जो कैप्टन है ऐसे में वो मुस्कुराता है। ही क्लाइंबर्ड इनटू द टनल द सूट मेकिंग लाइट वर्क ऑफ द जर्नी। वो कहीं ना कहीं वो क्या कहता है, ही क्लाइंब, क्लाइम से क्लाइंबर्ड है, ही क्लाइंबर्ड इनटू द टनल, उस टनल में क्लाइंब करता है, कूद जाता है। द सूट मेकिंग लाइट वर्क ऑफ द जर्नी, जो ये सूट पहना रहता है वो इस काम में काफी हेल्प भी करता है और इस काम को बहुत ही हल्का बना देता है, बहुत इजी बना देता है। ही मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल आउटसाइड द एंट्रेंस ऑफ द टनल, और वो अपने आप को कंफर्टेबल बनाता है कहाँ पे, आउटसाइड द एंट्रेंस ऑफ द टनल, जो एंट्रेंस का टनल है उसके आउटसाइड। एंड चेक सम रीडिंग्स एंड रिस्पॉन्सेस, और कुछ रीडिंग यानी कुछ रिस्पॉन्सेस वहां का जो एटमोसफेयर उसको चेक करता है विद द हेल्प ऑफ हिज हेलमेट। गुड, द मॉन्स्टर वॉज हियरिंग, और चेक करता है और पाता है कि मॉन्स्टर जो है उसको सुन सकता है। और ऐसे में फिर वो कैप्टन बोलता है उसे टनल के पास जाकर के, यू विल एंजॉय दिस, तुम इसे एंजॉय करोगे, तुम्हें मजा आएगा। द कैप्टन टोल्ड द मॉन्स्टर, कैप्टन जो है वो मॉन्स्टर से बोलता है, नहीं यू विल लाइक ओबेइंग मी, अब तुम मुझे, अब तुम मेरा ओबे करोगे, मेरा कहना मानोगे। यू विल लाइक द थिंग्स यू बी डू, जो मैं करूंगा वो तुम्हें पसंद आएगा। यू विल ओबे मी, तुम मेरा कहना मानोगे, तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को मानोगे। वोंट यू, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल यू विल, तुम करोगे। यू विल ओबे मी, तुम मेरा कहना मानोगे, मेरी बात मानोगे, ऑलवेज, हमेशा। तो ये सब सारा कैप्टन वो डॉग है जो मॉन्स्टर है उसके काम में ऐसा कहता है। बिली फाउंड स्कैम, और इसी बीच क्या है, बिली स्कैम को पा जाता है, फाउंड कर लेता है, देखता है। एट फर्स्ट ही वाज ग्लैड टू फाइंड हिम, सबसे पहले इट वाज ही वाज ग्लैड, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ टू फाइंड हिम, उसको पा करके। बट सून ही वाज पजल्ड, लेकिन वो बहुत ही जल्दी पजल हो गया है, पजल में से एक तरीके से कहना कंफ्यूज होना। बट वेरी सून ही वॉज वेरी कंफ्यूज, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है, क्यों कंफ्यूज हो जाता है। स्कैम केप्ट शेकिंग हिज हेड एंड ही वॉज रनिंग, जो स्कैम था वो अपने हेड को हिला रहा था, केप्ट शेकिंग हिज हेड, वो अपने हेड को बराबर हिला ही रहा था। एंड ही वॉज रनिंग, और वो दौड़ रहा था। He's got a burr in his ear. वो he was he 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 has got a burr. He was got a burr in his head. वो एक्चुअल में उसको लग रहा था कि he was got a burr in his head. ये burr क्या है, एक तरीके से this is the kind of sound, मतलब कह सकते हैं जो flying वाला sound होता है, उड़ने वाला। तो ऐसा मतलब बिली ने सोचा कि जो skunk है वो शायद कोई कीड़ा या कोई insects जो होगा उड़ रहा होगा, तो वो उस तरह की आवाज है, ऐसा बिली ने सोचा। और एन इंसेक्ट एन इच, या तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसेक्ट हो जिस जो कि खुजली कर रहा हो, इचिंग हो रहा हो जैसे। स्कैम वॉज रनिंग इन रेगुलर पैटर्न अ स्ट्रेट लाइन, अ पॉज, अ टर्न टू द लेफ्ट, देन अनदर स्ट्रेट लाइन। स्कैम वॉज रनिंग इन अ रेगुलर पैटर्न, जो स्कैम है, जो मॉन्स्टर है, जो डॉग है, वो एक रेगुलर पैटर्न में दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है, अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में जाता है, फिर रुकता है, फिर टर्न इनटू द लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ता है, देन अनदर स्ट्रेट लाइन, फिर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन जाती है, देन ए पॉज, फिर से एक पॉज लेता है, एंड टर्न टू द राइट, फिर से राइट की तरफ टर्न लेता है। और इसी तरीके से रेगुलर पैटर्न में वो रनिंग करता रहता है। इट लुक्ड वेड इन द मूनलाइट, इट लुक्ड वेड इन द मूनलाइट, वो इट लुक्ड वेड इन द मूनलाइट, वो इस मूनलाइट मतलब एक तरीके से चांद की रोशनी में बहुत ही ज्यादा परेशान दिखता है। विली वेगन टू द फ्रेटेंड, और विली ऐसे में बहुत ही ज्यादा भयभीत भी होने लगता है। देन स्कैम सडनली सैट डाउन, और ऐसे में जो स्कैम है वो अचानक से बैठ जाता है। सम 10 yards अवे, करीब 10 गज दूर, एंड लुक स्ट्रेट एट विली, और विली की तरफ सीधा देखता है। द डॉग डिड नॉट मूव अ मसल्स, ही जस्ट स्टेड, जो डॉग है यानी जो ये स्कैम है वो बिल्कुल भी अपने किसी उसके कोई भी बॉडी का पार्ट, कोई भी मसल्स बिल्कुल में कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है। ही जस्ट स्टेड, वह केवल घूरता है, यानी एक तरफ एकटक देखता रहता है, यानी वह एक तरीके से घूरता है। द कैप्टन हाल्टेड द मॉन्स्टर एंड थॉट वेरी केयरफुली, द कैप्टन
हाल्टेड मतलब एक तरीके से कंट्रोल करना, जो जो कैप्टन है वो जो कि मॉन्स्टर को कंट्रोल किया रहता है वो क्या करता है, वो बहुत ही ध्यान से सोचता है, क्या सोचता है, द मॉन्स्टर इज ए सर्वेंट क्रिएचर, वो ये सोचता है कि जो ये मॉन्स्टर है, जो ये डॉग है, ये एक तरीके का सर्वेंट क्रिएचर है, इसकी सर्वेंट क्रिएचर मतलब इसका भी कोई मालिक है, और फिर वो डिसाइड करता है, ही डिसाइडेड एंड द अपराइट मॉन्स्टर द वन दैट जस्ट अराइव, और ऐसा डिसाइड करता है, ऐसा उसको लगता है कि ये जो अपराइट मॉन्स्टर है, जो ये दूसरा वाला मॉन्स्टर है, बगल में जो मॉन्स्टर है यानी बगल में दूसरा जो प्राणी है, दैट वॉज दैट जस्ट अराइव, सॉरी द वन दैट जस्ट अराइव, वो वही है, ये उसका वही सुप्रीम क्रिएचर है जो कि यहाँ पे आया है, बिकॉज ही मेक्स ऑडियो सिग्नल एंड एक्सपेक्ट्स देम टू बी ओबेड, क्यों उसको ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये सुप्रीम क्रिएचर है, जो ये लड़का है, बिली है, वो एक ऑडियो सिग्नल बनाता है, देता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो उसका कहना माने, आई मस्ट स्ट्राइक नाउ, मुझे जरूर इसके ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए, हमला करना चाहिए। बिली सैड ऑलमोस्ट प्लीडिंग, उसी बीच में जो बिली है लगभग याचना करते हुए, ऑलमोस्ट प्लीडिंग यानी एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, कम ऑन बॉय, गुड बॉय, कम ऑन स्कैम प्लीज, तो ना कहता है कम ऑन बॉय, जैसे अपने फ्रेंड्स अपने पेट एनिमल्स को लोग दुलार करते हैं, ये एक तरीके से याचना करते हुए बिली कहता है, कम ऑन बॉय, आ जाओ मेरे बच्चे, गुड बॉय, बहुत अच्छे, कम ऑन स्कैम, जल्दी करो स्कैम प्लीज, बट द डॉग जस्ट स्टेड मोशनलेस एंड हिज आईज लुक स्ट्रेंज, लेकिन जो डॉग है वो जस्ट पूरी तरीके से मोशनलेस रहता है, द डॉग स्टेड, स्टेड मतलब घूरना एक तरीके से, एक तक देखना, जो डॉग है वो एक तक देखता रहता है, घूरता रहता है विदाउट एनी मोशन, बिना किसी मोशन के, कोई भी मसल्स कुछ भी नहीं, एंड हिज आईज लुक स्ट्रेंज, और उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेंज यानी की तरह दिखती है, स्ट्रेंज मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रेंजर, आप कह सकते हैं कि जिसको आप ना जानते हो, अपरिचित, हिज आईज लुक स्ट्रेंज, और उसकी आंखों में ऐसा दिखता है कि ऐसा लगता है कि वो पहचानता ही नहीं, द कैप्टन स्पोक टू द डॉग, और इसी बीच जो कैप्टन है वो उस डॉग से कहते हैं, द कैप्टन स्पोक टू द डॉग, उस डॉग यानी उस मॉन्स्टर से कहता है कैप्टन, इसी बीच क्या कहता है, डॉग्स ब्रेन, उसकी ब्रेन को कहता है, क्या कहता है, किल, सेड द कैप्टन, जो कैप्टन है उसके डॉग के ब्रेन में को कहता है किल, यानी इसको मार डालो, किल दैट अदर क्रिएचर देयर, यहाँ पे जो दूसरा क्रिएचर है, दूसरा प्राणी है, उसको मार डालो, द डॉग अटैक, ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि जो डॉग है वो कंट्रोल हो चुका था, उस कैप्टन एलियन के वश में आ गया था, तो ऐसे में डॉग अटैक करता है, और जैसे ही डॉग अटैक करता है, स्कैम्प येल्ड बिली, जो बिली है वो येल्ड करता है, चिल्लाता है, स्कैम्प, डोंट स्कैम्प, स्कैम्प, ऐसा मत करो स्कैम्प, लेकिन क्या होता है, स्कैम्प रैन बियॉन्ड द बॉय, और ऐसे में जो स्कैम्प है वो बॉय से दूर भाग जाता है, लेकिन तभी टर्न फिर से मुड़ता है एंड चार्ज अगेन, और फिर से धावा बोल देता है, चार्ज मतलब धावा बोलना, फिर से हमला कर देता है, स्नार्लिंग लाइक ए हाउंड ऑफ हेल, और इस तरीके से स्नार्लिंग मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चिल्लाना, लाइक ए हाउंड ऑफ हेल, ऐसे जैसे कि कोई शिकारी कुत्ते जैसे चिल्लाते हैं, उस तरीके से चिल्लाते हुए उसके ऊपर हमला करना, हमला करने के लिए फिर से शुरू मुड़ जाता है, जो स्कैम्प है वो पहले तो बॉय से दूर भागता है, फिर मुड़ता है, फिर से उसके ऊपर धावा बोलता है, और धावा बोलते समय मतलब फिर से हमला के लिए, जैसे फिर से वो बहुत बड़ी सी बहुत ही तेजी से चिल्लाते हुए हमला करता है, जैसे कि शिकारी कुत्ते बोल चिल्लाते हो, एंड देन द डॉग हैड हर्ड द बॉयज टू द ग्राउंड, और एंड देन, और तभी द डॉग हैड हर्ड द बॉय, उस बॉय को हर्ड यानी गिरा देता है, पटक देता है, टू द ग्राउंड, उस जमीन पे गिरा देता है, एंड बॉय स्टैंडिंग ओवर हिम, और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, जॉस ओपन, उसके जबड़े ओपन ओपन हो जाते हैं, मुंह ओपन हो जाते हैं, टीथ बार्ड, और उसके टीथ बिल्कुल दिखने लगती है, यानी काटने के लिए, ऐसा हो सकता है, जो अब दोनों देवर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट यहाँ पे तीसरा आकर के क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, दिस इज लाइक दिस, आगे देखते हैं क्या होता है, बचता है बिली या नहीं, स्कैम्प कैसे उस मॉन्स्टर, जो असली मॉन्स्टर है कैप्टन, हम इस स्टोरी में तो मॉन्स्टर तो बोला गया है डॉग को, बट एक्चुअल में जो इस तरीके से कंट्रोल करके किसी और की जान ले वही मॉन्स्टर होता है, क्या होता है, हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, जो स्कैम्प है वो अपने जो ओनर है उसके ऊपर
हमला कर देता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, अपने जॉस एंड अपने जबड़े ओपन कर लेता है उसको काटने के लिए। तभी फिर से जो बिली है वो फिर से बोलता है स्कैम्प, इट वॉज अ स्क्रीम ऑफ टेरर। अब ये स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाहट, यानी चिल्लाना, यानी आवाज। अब चीख, स्क्रीम मतलब चिल्लाहट ना होकर के बोल सकते हैं चीख बोल सकते हैं, इट इज द करेक्ट चीख। चीख ऑफ टेरर यानी स्क्रीम ऑफ टेरर मतलब डर की चीख। अब जब स्कैम्प जब बोला तो वो स्कैम्प इस तरीके से बोला, इट स्कैम्प इट वॉज ए स्क्रीम ऑफ टेरर, और यह एक डर की चीख थी स्कैम्प बोलने में उस बिली द्वारा। द डॉग पॉज्ड, तभी जब इस तरह से बोलता है तब तभी डॉग फिर से रुक जाता है, डॉग पॉज्ड रुक जाता है। द बिग वॉइस इन हिज ईयर इनसाइड हिज हेड, तभी उसके आवाज कान में फिर से एक बड़ा सा आवाज आता है। क्या आवाज आता है? कैप्टन की आवाज। क्या होता है? किल, उसको मार डालो। बट द ओल्ड लव्ड वॉइस वॉज कॉलिंग टू, लेकिन द ओल्ड पुराना लव्ड वॉइस बहुत ही जो प्रिय आवाज थी वॉज कॉलिंग टू, वो भी बुला रही थी, आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुला रही थी, हेल्प के लिए कह रही थी, उसको छोड़ने के लिए कह रही थी। और इसी बीच में वो डॉग पहुंच यानी रुका हुआ था। तभी द बॉय स्ट्रक आउट ब्लाइंडली विथ हिज फिस्ट, ये फिस्ट मिस होता है मुक्का। द बॉय स्ट्रक आउट ब्लाइंडली, बहुत ही बिल्कुल ब्लाइंडली मतलब एक तरीके से बिना देखे जो बॉय है अपने मुट्ठी से बहुत तेजी से स्ट्रक करता है। ही हिट द डॉग्स ईयर, और जो बिली है वो डॉग्स के ईयर पे बहुत तेजी से ब्लाइंडली हिट करता है। और तेजी से जब मुक्का मारता है तो क्या होता है? समथिंग स्मॉल फेल टू द ग्राउंड अनसीन, समथिंग स्मॉल फेल टू द ग्राउंड, समथिंग यानी कुछ ऐसी चीज फेल यानी नीचे गिरती है टू द ग्राउंड, जो कि अनसीन था, जो कि कभी नहीं देखा गया था। और आप लोग समझ सकते हैं ऐसी क्या चीज थी? दैट वॉज स्पेस, दैट वॉज द कैप्टन, दैट वॉज द एलियन, बहुत ही छोटी सी चीज थी, वो उसको देखा नहीं गया था। द लिटिल थिंग वॉज मोर्टली वॉन्डेड, जो लिटिल थिंग थी, जो छोटी सी चीज थी, यानी जो वो कैप्टन था, थिंग वॉज मोर्टली, मोर्टली मतलब एक तरीके से कहते प्राण घातक, जो ये प्राण घातक छोटी सी चीज थी, इट वॉज वॉन्डेड, ये घायल हो चुकी थी। इट ब्रिथ, ये जो जब ये घायल हो चुके थे, जो कैप्टन है वो एक तरीके से घायल हो चुका था। इट ब्रिथ यानी वो कराह रहा था। स्कैम्प सैड, स्कैम्प तभी बोलता है उफ इन अ वेज वे एंड लुक्ड एट बिली, तभी स्कैम्प जो है एक आवाज निकालता है उफ इन अ वेज वे, बहुत ही विचित्र तरीके से, बहुत ही एंड लुक्ड एट बिली, यानी एक वेज वे मतलब एक तरीके से जो दोनों में समझ सकते थे, इस तरीके से उसने एक आवाज निकालता है और बिली की तरफ देखता है और दौड़ करके बिली के पास चला जाता है। द डॉग लिक्ड द बॉयज फेस, जो डॉग है वो बॉय के फेस को लिक करता है यानी चाटता है। बैस्ड हिज टेल, और अपने पूंछ को हिलाता है। एंड शिप्सली गॉट ऑफ बिलीज चेस, और बहुत ही झेप जाता है। शिप्सली मतलब झेपना, होता है ना कि प्यार से एक दूसरे से लिपट जाना, तो लिपट जाता है किससे? बिली के चेस्ट से। ही सैट डाउन एंड स्क्रैचेस हिज ईयर, और वो बैठ जाता है और अपने ईयर्स को स्क्रैच करता है यानी खुजली करता है विथ हिज हिंड पॉ, अपने पिछले पंजे से वो पंजा means आपका पिछला, पिछले पंजे से वो क्या करता है? स्क्रैच करता है अपने ईयर के पास। बट द इचिंग हैड गॉन, लेकिन जो खुजली थी वो जा चुकी थी। द लिटिल अनसीन थिंग रिट्स फॉर द लास्ट टाइम, द लिटिल अनसीन थिंग रिट्स फॉर द लास्ट टाइम, जो लिटिल छोटी सी अनसीन थिंग थी जो इसके पहले जो नहीं देखी गई थी, वो क्या हुआ? रिट्स फॉर द लास्ट टाइम, वो बिल्कुल लास्ट टाइम, बिल्कुल अंतिम बार कराही, यानी पीड़ा में कराही। एंड हिडन इन द ग्रास, और ग्रास में वो छिप गई यानी गायब हो गई। द कैप्टन डेड, और ऐसा लगा कि जो कैप्टन है वो भी मर गया अंतिम करा के साथ। द बॉय एंड द डॉग, फिर क्या होता है? जो बॉय है और जो डॉग है वो फिर से रोलिक्ड ऑफ टुगेदर अक्रॉस द मूनलाइट फील्ड, उस चंद्रमा की रोशनी में, उस फील्ड में एक दूसरे से फिर से रोलिंग यानी खेलते हैं, रोलिंग करते हैं, दौड़ते हैं। बाय द एज ऑफ द ट्रीज द ड्यू वॉज हैवी ऑन द स्पेसशिप, जो पेड़ों के घने किनारों के साथ में जो ड्यूज था वो बहुत ही हैवी ड्यूज थी, गिर रही थी उस स्पेसशिप पे। और जल्दी ही, सून, जल्दी ही इट वुड रस्ट, ये बिल्कुल इट वुड रस्ट यानी इसमें जंग लगना शुरू हो गया, जंग लग गया। एंड बिकम एज ब्राउन एज द अर्थ, और ये बिल्कुल ब्राउन की तरह दिखने लगा, जैसे कि अर्थ की तरह,
ब्राउन कलर का, बट नाउ इट वॉज स्टिल ग्लैंटिंग इन द टैल वीड्स, लेकिन अभी भी ये चमक रही थी. ग्लैंटिंग मीन्स होता है चमक, चमकना. बट नाउ इट वॉज स्टिल ग्लैंटिंग इन द टैल वीड्स. वीड्स मतलब होता है खरपतवार. टैल मीन्स लंबा, लंबे लंबे खरपतवार में ये अभी भी चमक रही थी. इन द मून लाइट, इस चंद्रमा की रोशनी में, यू नॉट हैव नोटिस्ड वेयर इट्स बॉडी वॉज क्रस्ट एंड डेंटेड. ये हमें, ये आप नहीं पता लगा पाए, ये हम नहीं पता लगा सकते, मतलब सब मिला के वो लोग नहीं पता लगा पाए, जो जो डॉग है या उस जो उसका साथी बॉय है बिली एंड स्कैम, उन लोगों ने नहीं नोटिस कर पाए कि उसकी बॉडी आखिर कहाँ पे क्रश हो गई, कहाँ पे टूट गई, खत्म हो गई. एंड डेंटेड और बदल गई. डेंटेड मतलब एक तरीके से कलरिंग करना, डेंटिंग पेंटिंग होती है वही डेंटेड, यानी वो डेंटेड हो गई, यानी एक तरीके से इस तरीके से बन गई जैसे कि इट लुक लाइक ए सुपर परफेक्ट मॉडल. वो कैसे टूट गई और किस तरीके से, जो एयर स्पेस था, जो मॉडल था, वो इस तरह डेंटेड हो गया जैसे कि सुपर मॉडल की तरह दिख रहा हो, सुपर परफेक्ट मॉडल, यानी वो खत्म हो चुका था. लिटिल बट मार्वेलसली मेड, एक ऐसा छोटा सा जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया हो. सो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी गुड स्टोरी. थोड़ा सा मतलब अच्छा स्टोरी था, दो चीजें साथ में निकला और इमोशंस भी थे इसमें. इट वॉज मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया बाय निकोलस फिस्क द्वारा. दो कैरेक्टर्स को, मतलब दो अलग अलग एक्टिविटीज को, दो अलग अलग जगह की एक्टिविटीज को किस तरीके से साथ में लेके चला जा रहा है, ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, नाउ वी आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस फॉर सेक्शन ए बी एंड सी. So during the live class, during the next live class, we will be discussing the answer of these questions. So be prepared. First of all, you all need to find out the possible answer for these questions by yourself. Thereafter, we will be discussing the possible answer of these questions. And उस समय आप लोग भी चेक कर सकते हैं आपके आंसर्स कितने हद तक सही है. अगर सही होंगे तो बेहतर है, नहीं सही होंगे तो you all can rewrite. That's all from this session. Goodbye. Have a nice day.